तो देखिए गाइस, हमारे साथ ना वीवो बहुत बड़ा खेल खेल रहा है अपने इस वीवो V29e फोन के साथ, क्योंकि जिस प्राइस रेंज में ये फोन आता है, मतलब 26 से 28 हजार के बीच में, उस हिसाब से इस फोन का प्रोसेसर होना चाहिए था स्नैपड्रैगन का 778G या फिर 782G, लेकिन इस प्राइस रेंज में ये फोन हमें क्या ऑफर कर रहा है, स्नैपड्रैगन का 695 5G प्रोसेसर। मतलब आप सोच के देखो गाइस, 26,000 में स्नैपड्रैगन का 695 प्रोसेसर, मतलब हम क्या इतने गधे हैं क्या? तो देखो गाइस, मुझे पर्सनली ये लगता है कि इससे अच्छा, मतलब ये वीवो V29e से अच्छा है इन्फिनिक्स का GT10 Pro, मतलब वो 20 से 25,000 के अंदर आता है और वो अंततः स्कोर ऑफर करता है आपको 7 लाख के ऊपर, और ये आता है 26 से 28,000 के बीच में और ये अंततः स्कोर ऑफर करता है आपको 4 लाख के ऊपर। और गाइस, इस वीडियो से मैं वीवो को कोई भी हेट नहीं पहुँचाना चाहता हूँ, मतलब मुझे बस इसका प्रोसेसर अच्छा नहीं लगा, वही आप लोगों के साथ शेयर करा मैं। ठीक है गाइस, आज के लिए बस इतना ही।